नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है ईएस एग्जाम स्टडी के डेली करंट अफेयर वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फरवरी 2020 में मारिया शारापोवा ने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की। वो निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित थे? ऑप्शन ए गोल्फ, बी टेनिस, सी शतरंज, डी बैडमिंटन। मारिया शारापोवा टेनिस खेल से संबंधित थे। इन्होंने 5 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता मारिया शारापोवा ने टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट, फरवरी 2020 में आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में 100 बिस्तर वाले ईएसआई अस्पताल की आधारशिला किसने रखी? इसका आंसर है ऑप्शन 4 संतोष कुमार गंगवार। ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY के तीसरे चरण का शुभारंभ किया। योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? इसका आंसर है ऑप्शन सी 2015 में। नेक्स्ट, फरवरी 2020 में TRA रिसर्च द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे वंचित ब्रांड कौन सी है? इसका आंसर है ऑप्शन ए सैमसंग मोबाइल। नेक्स्ट, मुंबई में मुख्यालय वाली कुकी ब्रांड स्वीटिस हाउस माफिया ने भारत में वैक्सीन निर्माता सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदार पुनावाला से प्री सीरीज एंड फंडिंग में कितने करोड़ रुपए जुटाए हैं? इसका आंसर है 12 करोड़। नेक्स्ट, सरोगेसी विनियम विधेयक 2020 ने सरोगेट माँ के लिए कितने महीनों के लिए बीमा कवर बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी 36 महीने। नेक्स्ट, फरवरी 2020 में सरकार ने चाबहार बंदरगाह के लिए विकास को गति देने के लिए एक कंपनी इंटरपोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड का गठन किया है। बंदरगाह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ईरान। फरवरी 2020 में सरकार ने चाबहार बंदरगाह के विकास को गति देने के लिए एक कंपनी इंटरपोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड का गठन किया है। बंदरगाह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए म्यांमार, बी ईरान, सिंगापुर, इंडोनेशिया। इसका आंसर है ऑप्शन बी ईरान। नेक्स्ट, फरवरी 2020 में टोल ऑपरेट टोल TOT मॉडल के तहत प्रतिष्ठित मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे परियोजना किसने दी गई है? इसका आंसर है ऑप्शन डी IRB इंफ्रास्ट्रक्चर को। नेक्स्ट, फरवरी 2020 में कौन कॉरपोरेट ऑफ अंतर्राष्ट्रीय मामलों के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में ओला में शामिल हो गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी गौतम बंबावाली। नेक्स्ट, फरवरी 2020 में किसको कोल लॉन्स एंजिल्स के पोर्ट में खाली भूमि के एक पद पर अपनी गहरी अंतरिक्ष स्टारशिप परियोजना के लिए एक शोध और विनिर्माण संयंत्र बनाने की मंजूरी मिली? इसका आंसर है ऑप्शन डी एलोन मस्क को। नेक्स्ट, फरवरी 2020 में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कितने वैज्ञानिकों को DBT BRITE पुरस्कार प्रदान किए? इसका आंसर है ऑप्शन डी 34। नेक्स्ट, मेगा इवेंट RAISE 2020 रिस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020 AI अप्रैल 2020 में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए हैदराबाद, पुणे, नई दिल्ली, कलकत्ता। इसका आंसर है नई दिल्ली। नेक्स्ट, फरवरी 2020 में
रिगडोक में संविधान पर समिति के सांसद के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने ईसीआई का दौरा किया। निम्नलिखित में से किसने प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया? इसका आंसर है ऑप्शन डी, करीन एनिस्ट्रोम। नेक्स्ट, फरवरी 2020 में आयुर्वेद, यूनानी और चिकित्सा की सिद्ध प्रणालियों में निदान और शब्दावली के मानकीकरण पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां संपन्न हुआ? इसका आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। नेक्स्ट, फरवरी 2020 में दुनिया का दूसरा सबसे युवा अरबपति कौन बना? ऑप्शन ए, सचिन बंसल, बी, रितेश अग्रवाल, सी, नवीन तिवारी, डी, त्रिशनीत अरोड़ा। दुनिया का दूसरा सबसे युवा अरबपति रितेश अग्रवाल बना। ये ओयो फाउंडर हैं। नेक्स्ट, फरवरी 2020 में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने BSNL, FTTH और वाईफाई सेवा का उद्घाटन कहाँ किया? केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने BSNL वाईफाई सेवा का उद्घाटन देहरादून में किया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश सैनिटरी उत्पादों को मुक्त बनाने वाला दुनिया का पहला राष्ट्र बन गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, स्कॉटलैंड। नेक्स्ट, IQ एयर द्वारा PM2.5 कण प्रदूषण डेटा के वैश्विक संकलन के अनुसार 2019 में सबसे प्रदूषित देशों के मामले में भारत की क्या रैंक है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 4, 5 भारत की रैंक है।